न सुनीता न ही आतुषी। कल मिलेगा दिल्ली का बॉस, किसके सिर पर सजेगा सेहरा, जानिए कौन है वो संभावित चेहरा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए। अरविंद केजरीवाल सरकार की ताकतवर मंत्री आतुषी, मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपको ऐसे तीसरे चेहरे का नाम बताएंगे जो इसमें सबसे मजबूत दावेदार है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं हो ही नहीं। दिल्ली वासियों के मन में है कि आखिर केजरीवाल के बाद दिल्ली का अगला बॉस कौन होने वाला है। आपको बताएंगे वो चेहरा जो सुनीता और आतिशी से मजबूत माना जा रहा है और केजरीवाल का करीबी भी है। पहले बताते हैं आखिर दिल्ली सीएम पद क्यों छोड़ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इस आधार पर बेल दी है कि वो बाहर आने के बावजूद कोई फैसला मुख्यमंत्री के रूप में नहीं ले सकते हैं, ना ही वो कोई बैठक बुला सकते हैं, ना कोई घोषणा कर सकते हैं और ना ही किसी फाइल पर मुख्यमंत्री के रूप में सिग्नेचर कर सकते हैं। ऐसे में चुनाव तो नजदीक आ चुका है और केजरीवाल जब कोई फैसला नहीं ले सकते तो दिल्ली के लिए चुनाव से पहले कोई लोक लुभावन घोषणा भी नहीं की जा सकती। चुनावी घोषणा और स्कीमें हर सरकार अपने चुनाव से पहले करती है ताकि जनता को लगे कि चुनाव के बाद ऐसी घोषणाएं होती रहेंगी। यही कारण है कि केजरीवाल पद जरूर छोड़ेंगे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री उनके ही इशारे पर काम करेगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को या फिर सरकार में मंत्री आतिशी को सीएम बना सकते हैं, लेकिन हम आपको तीसरे चेहरे के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल राखी बिड़ला को भी अगला सीएम के तौर पर चुन सकते हैं। इसके पीछे का राज है कि पहले तो वो महिला है और दूसरी बात वो दलित तबके से आती है। राखी अन्ना आंदोलन से केजरीवाल के साथ है और आम आदमी पार्टी का साथ देती आई है और कहा जा रहा है कि इससे महिलाओं को साधा जा सकता है और दलित कार्ड की पॉलिटिक्स भी बैठ सकती है। बता दें कि राखी मंगोलपुरी सीट से विधायक हैं, इसके साथ ही वो विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर भी हैं। केजरीवाल की पहली सरकार में उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई थी। उन्होंने कांग्रेस के चार बार के विधायक रहे राजकुमार चौहान को हराया था। बिड़ला को महिला एवं बाल विकास के साथ ही सामाजिक कल्याण विभाग केजरीवाल की पहली सरकार में सौंपा गया था। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी अनजाने चेहरे को सामने लाएंगे और ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। बता दें कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल की पत्नी मंत्री आतुषी के साथ ही सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे मंत्रियों के नामों की खूब चर्चा है, लेकिन केजरीवाल क्या ऐसे ही लोगों पर दांव लगाएंगे या फिर वो कोई और ही गेम खेलेंगे। बहरहाल यह तो कल ही फाइनल होगा। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।